की मदद से समझते हैं। ये पीएच स्केल है हमारा, जो काम हमारा इंडिकेटर्स नहीं कर सकता वो काम कौन करता है? पीएच स्केल करता है। इसे किन्होंने बनाया हुआ था? सोरेनसन ने बनाया था। ये पीएच स्केल क्या होता है बच्चों? पावर ऑफ हाइड्रोजन बताता है। जैसा कि आप देख रहे हो ये स्केल स्क्रीन पे, यही हमारा पीएच स्केल है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। हम जानते हैं कि एसिड में क्या होता है, H प्लस आयन के थ्रू हम समझते हैं। H प्लस आयन जब डिसोसिएट होते हैं वाटर में डालने पे कोई भी कंपाउंड, तो हम क्या समझते हैं कि वो एसिड है। तो H प्लस की सांद्रता जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, वृद्धि होती जाएगी, तो क्या होता है उसका पीएच का मान, ये क्या आपका पूरा 14 तक होता है ये पीएच स्केल। आप जैसा देख रहे हैं क्या है पूरा बच्चों, देख लो 14 तक है। ये कलर क्या है, सारे पीएच मान का कलर बिल्कुल चेंज है। तो यहां तक हमारा क्या है, इधर क्या है, एच प्लस आयन की सांद्रता बढ़ रही है। तो एच प्लस आयन की सांद्रता बच्चों जब बढ़ती है तो पीएच का मान 7 से कम होते होते 1 तक जाता है। जैसे जैसे घटता जाता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी हमारा बढ़ते जाता है। तो ये पीएच स्केल हमें यह बताता है कि कोई भी जो कंपाउंड है वो कितना ज्यादा एसिडिक है, कितना ज्यादा बेसिक है। तो ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जब तक नहीं होगा हम समझ कैसे पाएंगे कि कोई भी चीज हमें वो जो मान लो प्लांटेशन ही हमें करना है तो वो मिट्टी हमारा सॉयल प्लांटेशन करने लायक होगा तब तो। यदि एसिडिक ज्यादा है तब भी हमारा प्लांटेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा, बेसिक ज्यादा है तब भी हमारा प्लांटेशन अच्छे से नहीं होगा। जब तक हमारा उसका पीएच मान 7 नहीं शो करता तब तक हम उसमें प्लांटेशन सही से नहीं कर सकते। तो ये इसी के मदद से हम समझ पाते। तो ये क्या है बच्चों, यह सोरेनसन ने बनाया। जैसा कि मैंने बताया ये पीएच स्केल एक साइंटिस्ट सोरेनसन ने दिया है, जिन्होंने बताया कि H प्लस आयन की सांद्रता जब बढ़ती चली जाती है तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी हमारा बढ़ता चला जाता है और उसका पीएच मान 7.2 घटते 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 हुए क्रम में कहां तक जाता है, हमारा 1 तक जाता है। उसके बाद जब H प्लस आयन की सांद्रता बच्चों कमी होती जाती है, घटती जाती है, तो हम उसको क्या कहेंगे कि वो क्षारीय शक्ति उसकी बढ़ रही है। यहां पे आप देख रहे हैं कि इसका क्या हो रहा है, मान घट रहा है, अम्लीय शक्ति बढ़ रही है। और यहां पे मान 7 से ज्यादा बढ़ के 14 तक जाता है, जितना बढ़ता जाएगा बच्चों वो बेसिक स्ट्रेंथ को शो कर रहा है, और 7 से बैक यदि जाता है तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ को शो करता है। 7 से नीचे जाना एसिडिक स्ट्रेंथ का बढ़ना, और 7 से आगे जाना 14 तक बेसिक स्ट्रेंथ का बढ़ना। तो ये पीएच स्केल ही हमारा शो करता है। एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ को बताने के लिए सोरेनसन ने क्या बनाया, पीएच स्केल बनाया। ये हमारा हो गया। अब इसको हम पीएच स्केल को समझेंगे कि ये पीएच स्केल होती कैसे है और हम इसे कैसे यूज करते हैं, समझने के लिए कि किसका पीएच का मान कितना है। तो इसको नेक्स्ट हम देखते हैं। अब जैसे कि बच्चों कुछ सामान्य विलयनों का पीएच मैं आपको बताना चाहूंगी और ये भी बताऊंगी कि पीएच स्केल हम यूज कैसे करते हैं। ओके, देखो बच्चों यही है आपका पीएच स्केल, ये आपका क्या है, पीएच स्केल आपने देखा। अब हम देखेंगे कि मिट्टी का पीएच स्केल कैसे हम निकालते हैं। तो जैसे कि देखो कुछ चार्ट यहाँ पे बना हुआ है, जितना भी है ये क्या है, ये ऊपर का जितना भी चार्ट है आपका बच्चों ये क्या है, 7 से पीएच का मान। और जब 7 से पीएच का मान जो होता है वो 7 से ज्यादा होता है तो क्या हो जाता है, वो 7 से ज्यादा बढ़ा रहे हैं, एक सेकेंड बच्चों सॉरी, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमारा मान जितने भी आप मान देख रहे हो ऊपर में वो क्या है, ये सारे क्या है 7 से नीचे है। सेवन से नीचे है मतलब ये क्या दिखा रहा है, एसिडिक स्ट्रेंथ को दिखा रहा है कि किसका पीएच का मान कितना ज्यादा कम है, तो कितना कम एसिडिक होगा। यदि पीएच का मान कम हो रहा है तो एसिडिक ज्यादा हो रही है, पीएच का मान बढ़ रहा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ उसका बढ़ रहा है। जैसे कि देखो बच्चों आपका अमाशय रस का पहले भी मैं कितनी बार हमारा इस पर डिस्कशन हुआ है कि कितना पीएच मान है 1,
ये 1 पीएच मान जब तक है बच्चों तब तक वो हमारे खाने को डाइजेस्ट करता है, लेकिन जब इसका पीएच मान बढ़ जाता है तो एसिडिटी हमारी हो जाती है बॉडी में, उसको फिर हम बाद में बेसिक सॉल्यूशन से उसको कंट्रोल करते हैं। नींबू आप यूज करते हो खाने में, इसका कितना है 2.5 है। सिरका जो खाने में यूज करते हो उसका क्या है 3 है। तो आप देख रहे हो कि एस जितना आपका नीचे पीच घटते जा रहा है वो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है बढ़ती जा रही है, और जितना आपका बेस की तरफ बढ़ रहा है मतलब क्या है 7 के नजदीक जितना आता जाएगा वो क्या होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम होता चला जाएगा। तो सबसे कम किसका होता है दूध का, तो मिल्क का स्वाद भी कैसा होता है बच्चों मिठास होता है, और उसी दूध का जब हम दही जमाते हैं तो वो खट्टी हो जाती है। क्यों खट्टी हो जाती है, क्योंकि वहां पीएच का मान हमारा बढ़ जाता है, इसीलिए उसी दूध का जब हम दही जमाते हैं तो वो खट्टी हमें खाने में प्रतीत होती है। अब नीचे आप देखोगे कि पीएच का मान क्या है हमारा 7 से बड़ा है, तो ये हमारे बेसिक स्ट्रेंथ को शो कर रहा है बच्चों। जैसे कि शुद्ध जल का मान कितना है, पीएच मान 7 है, मतलब ये न्यूट्रल है। तो जिस सॉल्यूशन का या कंपाउंड का पीएच मान 7 शो करता है बच्चों वो कैसा होता है, वो सॉल्यूशन कैसा है न्यूट्रल सॉल्यूशन है। पानी भी क्या हमारा शुद्ध जल क्या है न्यूट्रल है। आंसू जो टीयर हमारे आंसू जो बहते हैं उसका पीएच मान 7.3, ब्लड का 7.4, तो ये सब क्या है बेसिक है। आप पीएच के थ्रू ही समझ पाते हैं कि हमारा ब्लड कैसा होता है बेसिक होता है, बेसिक स्ट्रेंथ होती है उसमें, एसिडिक स्ट्रेंथ नहीं होती है बेसिक स्ट्रेंथ होती है। और ब्लड में फिर से पित्त जो है आपका, चूना जल क्या होता है बेस है, तब तो चूना जल का हम छिड़काव करते हैं जब एसिड ड्रेन वो सब आगे देखेंगे कि कैसे क्या होता है। अब यहां पर देखो बच्चों ये हम मिट्टी के थोड़ा सा मैं एनिमेशन दिखलाना चाहती हूँ आपको कि पीएच स्केल का यूज करके हम कैसे समझ पाते हैं कि किसी चीज का पीएच का मान ज्यादा है या कम है। तो यहाँ हमने दो मिट्टी, आप देख रहे हैं कि दो मिट्टी लिया है हमने, दो मिट्टी है, एक आपके बगीचे में जो जिसमें प्लांट हमारा ग्रोथ कर रहा है उससे हमने मिट्टी लिया हुआ है, और एक नर्सरी से हम कहीं से भी मिट्टी उठा के लाए हुए हैं, और हम देखेंगे कि किसका पीएच का मान 7 तक आएगा वही हमारा प्लांटेशन करने के लायक होता है, और 7 से यदि ज्यादा है या 7 से कम है तो हम उसमें प्लांटेशन नहीं करते क्योंकि वो हमारे प्लांटेशन करने के लायक वो मिट्टी नहीं है। बच्चों इसका भी एक तरीका है कि आप मिट्टी में क्या करोगे, दो बाउल में मिट्टी जैसे दिख रहा है आपको, लेके हम उसमें पानी डाल के आधे घंटे के लिए छोड़ देते हैं। जब वो पानी ऊपर बैठती है तो जैसा कि आप देख रहे हैं दो ग्लास लेके दोनों मिट्टी को हम उसमें डालेंगे, और अब जाके पीएच हम उसका चेक करेंगे, और इसे ज्यादा डिप नहीं करना है बच्चों। जैसा कि आप देख रहे हैं इसको ज्यादा डिप नहीं करना है, इतना ही डिप करना है हमें, और देखेंगे कि आप वो कलर को चेंज करेगा। और ये आपका पीएच स्केल है, इसी पीएच स्केल की मदद से जो कलर हमें शो करेगा और उस पे जो पीएच का मान लिखा हुआ होगा हम समझ जाएंगे कि उसकी पीएच कितनी है। अब देखो इसको, अब देखो ये 7 के नजदीक है बच्चों, ये जो हमारा सॉइल था ये कितना है 7 है, और 7 क्या शो कर रहा है कि वो क्या है हमारा न्यूट्रल होता है। 7 क्या शो करता है कि वो हमारा न्यूट्रल होता है, और यदि वो पीएच का मान 7 है वो न्यूट्रल है तो हम इजिली प्लांटेशन कर सकते हैं और हमारा जो भी है फूल है या फ्रूट्स है उसके पौधे अच्छे से ग्रोथ करेंगे। लेकिन इसी का पीएच का मान यदि कम या ज्यादा हो जाता है, तो कम होता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ को दिखाता है और ज्यादा होता है तो बेसिक स्ट्रेंथ को दिखाता है। तो अब देखो इसमें जो है हमारा दूसरा जो हमने नर्सरी से लाया हुआ था उसका देखो कि पीएच का मान क्या शो करता है। यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे नर्सरी से जो हमने लाया था उसका पीएच का मान 8.5 शो कर रहा है, मतलब ये बेसिक स्ट्रेंथ को बता रहा है। देख रहे हो बच्चों कलर जो है इसका 8 और 9 के बीच में है, और 8 और 9 के बीच में क्या आता है 8.5। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 7 से जब बढ़ता है, आप यहाँ भी पीएच स्केल में देख रहे हो 7 से जब हमारा पीएच का मान बढ़ता चला जाता है तो वो किसको शो करता है, बेसिक स्ट्रेंथ को शो करता है, बेसिक स्ट्रेंथ को शो करता है। तो यहाँ पे क्या हमने देखा कि जो हम अपने बगीचे से जहां पे हमने फूल उगाया हुआ था या जो कुछ भी फ्रूट्स लगाया हुआ था उसके पीएच का मान क्या था 7 था। 7 क्यों है, क्योंकि वहां पे अच्छे से प्लांटेशन हो रहा है।
तो हमें तो पहले जब मिट्टी लाके कोई रख दे तो हमें तो नहीं पता है, वो तो मुझे पता है मैंने लाके रखा हुआ, लेकिन आपको यदि मैं दूं कि दो मिट्टी लो बच्चे और दोनों में प्लांटेशन करो, तब आप क्या देखेंगे बच्चे कि इसमें हमारा प्लांटेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये बेसिक स्ट्रेंथ को दिखा रहा है कि इसकी बेसिसिटी बढ़ गई है, 8.5 तक चली गई, और वही इसके कलर को दिखा रहा है, ना तो ये 8 के कलर से मैच कर रहा है ना तो 9 के कलर को मैच कर रहा है, ये 8 और 9 के बीच में, इसीलिए हमने क्या निकाला कि 8.5 है और 7 से ज्यादा है। 7 हमारा न्यूट्रल था, जो हमने देखा था हमारे बगीचे से जो हम सॉइल ले रहे थे उसमें क्या था, 7 था, तब जाके प्लांटेशन हो रही थी। लेकिन ये मिट्टी यदि हम यूज करेंगे बच्चों अपने बगीचे में तो उसमें ना तो फूल अच्छे से ग्रोथ करेगी और ना तो फ्रूट्स अच्छे से ग्रोथ करेंगे। तो ये एक तरीका होता है हमारा पीएच स्केल यूज करने का, और पीएच स्केल आपका कैसा होता है बच्चों, यही आपका पीएच स्केल है, इसी के डिफरेंट कलर्स होते हैं जैसा कि आप देख रहे हो अभी, ये क्या आपका पीएच स्केल है, इधर बढ़ रही है घट रही है तो एसिडिक को दिखला रही है, एसिडिक स्ट्रेंथ, और इधर बढ़ रही है तो बेसिक स्ट्रेंथ को दिखला रही है। जैसा कि आप पिक्चर भी देख सकते हो बच्चों, ये क्या हमारा स्टमक एसिड, क्या होता है बच्चों स्टमक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, और ये हमारा कहां पे हेल्प करता है, हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में, तो इसका पीएच बच्चों कितना है, 1 होता है। तो ये क्या है, एसिड क्यों बढ़ रहा है, 7 से नीचे है तो ये क्या हो गया, एसिडिक स्ट्रेंथ को दिखा रहा है। अब देखोगे विनेगर, इसका कितना होता है, 3, लेमन, लेमन का कितना होता है, 2, ये सब क्या, आप जितना भी 7 से नीचे देख रहे हो सब एसिडिक स्ट्रेंथ को दिखा रहा है। नींबू आप देखते हो कि टेस्ट भी ज्यादा खट्टी होती है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है उसका, क्योंकि 7 से बहुत नीचे है वो, देखो नींबू का 2 ही है पीएच का मान, इसीलिए बहुत ज्यादा खट्टी होती है। फिर से आपका टोमेटो है उससे कम खट्टी होती है, तो उसका पीएच का मान भी क्या है, उससे ज्यादा है और स्ट्रेंथ कम है, तो इसका कितना है, 3 है, 4 है, सॉरी ये कितना है आपका, 4 है। और विनेगर का क्या होता है, उससे थोड़ा सा टोमेटो से ज्यादा खट्टी होती है और नींबू से कम खट्टी होती है, इसको हम खाने के बहुत सारी चीजों में यूज करते हैं प्रोडक्ट बनाने में, इसका कितना है विनेगर का, 3 है। फिर आप जो कॉफी पीते हो उसमें भी क्या होता है, एसिड होती है, कड़वी होती है, उसमें भी क्या होता है, एसिड होता है, और वो उसमें क्या है, पीएच का मान 5 है, इसलिए खट्टी तो नहीं दिखती हमें, उसका क्या है, खट्टी क्यों नहीं दिख रही है, क्योंकि उसका पीएच का मान ज्यादा है, और जब पीएच का मान ज्यादा होता है 7 के नजदीक होता है तो उसके एसिडिक स्ट्रेंथ को दिखाता है कि उसका एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत कम है। यहाँ पे देखो फिर मिल्क का, इसका भी एसिडिक स्ट्रेंथ कम है, क्यों, क्योंकि ये 7 से बहुत ही नजदीक है बच्चों। और ये जो वाटर आप देख रहे हो ये क्या आपका न्यूट्रल है, क्यों है न्यूट्रल, क्योंकि इसके पीएच का मान क्या है, 7 है। अब देखो इधर जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं तो हमारा बेसिक स्ट्रेंथ भी बढ़ते जा रहा है, इधर घटते क्रम में क्या हो रहा था, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रहा था। अब यहाँ पे देखो बेकिंग सोडा, जो कि हम जब हमें मधुमक्खी काटती है और वो स्वेलिंग होती है तो इसी बेकिंग सोडा का यूज करके हम उसको न्यूट्रल करते हैं, तो ये है क्या, बेस है, और ये बेसिक स्ट्रेंथ को दिखा रहा है, इसका कितना है बच्चों, 9 है। ब्लड का कितना होता है, 8 होता है, मतलब बेसिक स्ट्रेंथ को दिखला रहा है कि ब्लड जो होता है हमारा किस स्ट्रेंथ का होता है, 7 पॉइंट एग्जैक्ट कितना होता है बच्चों, 7.4। नेक्स्ट है आपका, अब देखो स्टमक टैबलेट्स लिया हमने, ये छोटा सा है बच्चों, आप जूम करके देखिए, जब हम स्टमक पे टैबलेट हमने डाला हुआ है तब जाके वो न्यूट्रल होता है। यहाँ पे स्टमक में कितना था, पीएच का मान 1 था, जब एसिडिटी बढ़ती है तो उसका मान बढ़ जाता है, 4 या 5 के नजदीक आ जाएगा तो क्या होगा, उस एसिडिटी बढ़ती है, और तब जब हम टैबलेट लेते हैं कोई भी बेसिक स्ट्रेंथ वाला तब उसको जाके न्यूट्रल करता है, तो ये हमारा कितना है, इसका पीएच का मान 10 है, तब जाके वो एसिडिक स्ट्रेंथ को न्यूट्रल करता है। नेक्स्ट है हमारा साबुन सोप, इसका कितना है, 12। अमोनियम सॉल्यूशन, ये सब क्या है बच्चों, सब आपको दिखला रहा है बेसिक स्ट्रेंथ को। आप ब्लीच यूज करते हो फर्श वगैरह या बाथरूम वगैरह साफ करने में, तो वहां पे क्या, ये सब सारे क्या है, बेसिक सॉल्यूशन को, बेसिक स्ट्रेंथ को दिखला रहे हैं, और ये एसिडिक स्ट्रेंथ को दिखला रहे हैं। तो ये सारा हमने समझ लिया, पीएच स्केल को जाना, पीएच स्केल क्या है, उसके स्ट्रेंथ को समझा कि वो कैसे घटती जाती है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ घटती बढ़ती जाती है,
से बढ़ती जाती है तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है। तो ये हमारा पीएच स्केल था बच्चों। ओवरऑल हमने भी देखा कि हम कैसे पीएच स्केल को यूज करते हैं। तो यही हमारा स्केल होता है बच्चों, और जैसा कलर सॉल्यूशन में डालने पर वो जैसा भी कलर शो करता है वो उसके अकॉर्डिंग हम समझ पाते हैं, उसके जस्ट बगल में लिखा हुआ होता है उसके ऊपर कि इसका पीएच का मान कितना है। तो हम इजिली समझ पाएंगे कि उसके पीएच का मान कितना है। अब हम इसके वैल्यू के हमारे डे टू डे लाइफ में जो पीएच का इतना वैल्यू है उसको बच्चों में स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। आओ आगे देखते हैं क्या है हमारा।